गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। सो आज हम एक बुक रिव्यू करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आईआईटी जेएम नेट गेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दिस इज द बुक यूजीसी सीएसआईआर नेट गेट नेट सेट आईआईटी गेट, ऑथर इज सुब्रत सेनगुप्ता। एंड ये मैंने बहुत पहले खरीदा था एंड मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आईआईटी जेएम नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास होना चाहिए। देखो यार, ये बुक जब मैं खरीदा था 27/7/19, तो जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे मैं खरीदा था। तो ये जो बुक है ना, इसके स्पेशलिटी क्या है मैं बताता हूँ एंड प्रोस एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो एक एक करके देखो। नाउ ये बुक का विड्थ है, ठीक है, एंड ये फॉर आईआईटी जेएम आईएससी टीआईएफआर बार्क ओएनजीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा सजेशन आप क्यों लोगे, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम्स ओएनजीसी को छोड़ के, मैं ओएनजीसी के एग्जाम पे बैठा नहीं था, आईआईटी जेएम टीआईएफआर बार्क ये मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक है? तो यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड। ओके, नाउ देखते हैं इस बुक का। इसमें बेस्ट चीज है कि ये चैप्टर वाइज दिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर ये सेक्शंस हैं एंड फिजिकल में सेक्शंस हैं। नाउ ये जो सेक्शंस है इसके अंदर भी, मतलब जो छोटा छोटा चैप्टर्स है, इसमें आप सिलेबस के हर एक पार्ट को नहीं देखोगे, मतलब यहां पर नहीं देखोगे। जैसे कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस ये इंक्लूड किया गया है, यहां पर पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये पहले तो चैप्टर वाइज है एंड दूसरे जो कुछ कुछ चैप्टर्स है पर मर्ज किया गया है, ठीक है, जो ज्यादा कनेक्टेड चैप्टर्स है वो मर्ज किया गया है एंड ये पेज नंबर भी आप देख सकते हो। नाउ इसमें क्या है, हर एक चैप्टर के पहले जो थ्योरीज है उसका एक ब्रीफ दिया गया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया गया है, जनरली एस एन टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कंडीशंस ये सब दिया गया है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि नेट का गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इस छोटे चैप्टर के अंदर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस छोटे सेगमेंट से बन सकते हैं वो यहाँ पर कंक्लूड करके दिया गया है। एंड ऐसे ही पूरा चैप्टर आईआईटी जेएम के सिलेबस, नेट गेट का सिलेबस पूरा ऐसे चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया गया है। एंड यहां पर और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर जो थियोरीज है, ये हर एक चैप्टर का जो थियोरीज है, यहां पर मैंने बोला कि ब्रीफली दिया गया है, ये आपका मेन सोर्स नहीं होना चाहिए। आपको किसी मेन सोर्स से पढ़ने के बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ उससे पहले आपको ये थोड़ा सा एक बार रैपिडली रीडिंग कर लेना है एंड आपको इंश्योर करना है कि हर एक पॉइंट आपको आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मार्क करके लिख रखा है, सपोज ये पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट मेरा मेन नोट में नहीं था या ये पॉइंट मैं जनरली भूल जाता हूं, तो ऐसे जो पॉइंट्स होंगे ना इसको आप थोड़ा सा मार्क करके रख सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पर आपको जो नया मिलेगा वहां पर आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। उसके बाद इस बुक का जो बेस्ट थिंग मुझे लगता है, द बेस्ट थिंग, ये पूरा बुक में आपको बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा जिसका आंसर या एक्सप्लेनेशन गलत दिया गया हो। मुझे तो अभी तक, मतलब आज तक दो ही मिला है, पूरा बुक मैंने सॉल्व कर रखा है तो मुझे दो ही क्वेश्चंस ऐसे मिला है। नाउ ये देखो यहाँ पर, इसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आ गया आंसर टेबल, यहाँ पर पहले आपको आंसर मैच करके रखना है ना। उसके बाद द बेस्ट थिंग इज इसका एक्सप्लेनेशन, ये आप देख सकते हो जो एक्सप्लेनेशन है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा, कितना डिटेल है, ठीक है? एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। बेस्ट थिंग की हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिया गया है। एंड ये जो आंसर है इसको पढ़ने के बाद आपको ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन आपको हो गया है यहां से सॉल्व कर चुके हो उसका जो करेक्ट हुआ है उसका आंसर नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना। तो सब आंसर आपको पढ़ना है, क्या पता इसमें से भी कुछ नया ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत टाइम हुआ है कि, मतलब बहुत बार हुआ है कि मुझे मिला है इसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन, तो वो मैंने अपने नोट में ऐड कर लिया। तो आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया करेक्ट हो वो भी यहां से देखना है, मतलब पूरा सोल्यूशन आपको पढ़ना है एंड पूरा सोल्यूशन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सपोज ऐसा भी होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन आपने सपोज सही किया तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपने जो लॉजिक लगाया ना वो थोड़ा सा सही नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, तो वो अगर आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड और एक चीज यहाँ पर जो, फॉर एग्जांपल ये सेकंड डाइपोल मोमेंट देख सकते हो आप, डाइपोल मोमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद इसका जो आंसर है आप देख सकते हो कितने डिटेल्ड तरीके से आंसर दिया गया है। फिर एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगह मार्क किया हुआ है, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है पूरा सा। यहाँ पर और एक चीज है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज में या जो नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे एग्जाम में जो रिटेन जो आपको लिखना पड़ता है आंसर, तो उसका भी एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे एक आंसर को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पर इसका जो आंसर दिया गया कितना बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर लिखते कैसे, ठीक है?
तो ये जैसे हर एक क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है, एच ए फ्लोरीन एटम विल एक्ट एज एन एक्सेप्टर व्हाइल एफ एटम बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्ट एज अ डोनर एटम, ऐसे। तो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है। फिर यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो ऐसे पहले ऑर्गेनिक है, फिर आप देख सकते हो स्टीरियो का क्वेश्चन है, एंड बहुत बार मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, एंड इसमें आंसर ज्यादा गलत नहीं है। मैंने बोला आपको अभी तक मुझे दो ही क्वेश्चन मिला है पूरा बुक में गलत। यहाँ पर ऐसा भी बुक्स मार्केट में है जहां पर बहुत बहुत गलत आंसर मिलेगा एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, मार्क माय वर्ड आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करके। आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन का आंसर गलत है एंड आपको कहां जाकर ढूंढोगे क्योंकि वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ना पड़ेगा उसके बाद कि वो टॉपिक सही है कि गलत है, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आंसर की में गलत नहीं होना चाहिए, आप जो प्रैक्टिस करो जहां से प्रैक्टिस करोगे वहां से, ये प्राइमरी कंडीशन है। ये बुक वैसे ही है, देख सकते हो यहाँ पर आंसर। और एक चीज है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन नंबर बदला नहीं गया है, ठीक है। ये 119 मतलब इसके पहले 118 क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग से। सो दिस नंबर इंडिकेट्स द टोटल क्वेश्चन यू हैव सॉल्व फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके। ये आप देख सकते हो एक एक आंसर कितना लेंदी एंड कितना अच्छा तरीके से दिया गया है, हर एक चीज को 1, 2, 3 क्लॉक वाइज, कार्बन 2 इज आर, ऐसे। तो ये पहले ऑर्गेनिक है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके ऑर्गेनिक हो गया। ये देखो इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल, उसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, सिक्स क्वेश्चन नंबर 656, मतलब स्टार्टिंग से टोटल 656 क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर। ये आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए जो मैंने बताया, उसके बाद आपको मतलब ये थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करके उसके बाद क्वेश्चंस पे आना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो आपको बुक का हालत देख कर आपको पता चल गया होगा कि कितनी बार इसको प्रैक्टिस किया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बुक है जो कि आपके पास होना चाहिए अगर आप सोच रहे हो कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक आप खरीदना चाहते हो, तो ये खरीद सकते हो। एंड ये देखो एक चीज, बुक्स कंसल्टेड, ये बुक बनाने के लिए कितना बुक्स का रेफरेंस लिया गया है, इसमें आपको वो हर एक बुक मिलेगा जिसका नाम आप जनरली सुनते हो इन योर कॉलेजेस और इन डिफरेंट वीडियोस कि ये अच्छा बुक माना जाता है, एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, ठीक है। तो यही है, एंड इसका लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ, मेरा वर्जन आप देख सकते हो कि ये बहुत पुराना है। तो यही है, ये आप खरीद सकते हो अगर आप रियली एक प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम और एक प्रैक्टिस बुक की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली IIT जैम एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो ये बुक नॉट ओनली फॉर IIT जैम बट रिलेटेड सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड है। एंड आप सपोज IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट आपको ये जो नेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको नहीं पता, बट आपने थ्योरी कंप्लीट करके रखा है ना, तो उसके बाद आप क्वेश्चन ये देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि IIT जैम के बाद ही नेक्स्ट ईयर ही आप एलिजिबल हो जाते हो नेट गेट एग्जाम में बैठने के लिए, तो ये एग्जाम भी एक साल बाद आप दोगे ही, तो थ्योरी आपने बेसिक पढ़ रखा है, फिर ये नेट गेट के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बस थोड़ा सा IIT जैम से थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होगा। तो वो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कंसेप्ट ये है, ठीक है। एंड इसके लिए जो IIT जैम के स्टूडेंट्स है उसके लिए ये बुक इसीलिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझने में मदद करेगा जो कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है या उसका बेसिक आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आप और किसी बुक का रिव्यू चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड नेक्स्ट सेशन में और एक बुक का डिस्कशन करेंगे जो कि स्पेसिफिकली IIT जैम के लिए, नॉट फॉर अदर नेट गेट या TI पर या ऐसे एग्जाम्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ IIT जैम के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।